हाजरीन सलामकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, कल लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान से जो नेताओं का जमावड़ा लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ने लगा है, पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे ले जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे बीएसपी के हों, या और भी जो पार्टियां हैं, उनके जो तमाम नेता हैं, वो सब लोग लखीमपुर खीरी का की रास्ते पे जाने के लिए गामजन है। और वो उनको बीच में ही पुलिस किस तरीके से बैरिकेडिंग कर रही है, किसके कैसे टोल नाकों पर उन्हें रोका जा रहा है, उसका जीता जागता एक मैं आपको अभी एक वीडियो डालूंगा जो जयंत चौधरी जी जो दिल्ली से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे, उनको हापुड़ के जो टोल है, हापुड़ टोल से पहले जो टोल है, वहां पर किस तरीके से उनके काफले के साथ पुलिस की और उनके काफले की धक्का मुक्की हुई है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके अलावा जो उन्होंने काफी किसान नेता जो जा रहे थे उनको रोका है रास्ते में, बल्कि एक एक गाड़ी की सर्चिंग हो रही है हर टोल नाके पर के कोई किसान नेता या कोई ऐसा जो बड़े नेता है वो लखीमपुर खीरी या लखनऊ ना पहुंच पाए, उसके ऊपर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी किए हुए है, नेताओं को रोकने के लिए तो नाकेबंदी है, और जो जो एक नेता के लड़के ने पीछे से लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसको पुलिस प्रोटेक्शन में गन्ने के खेतों में से निकाल के बाहर भेजा गया, उसमें पुलिस को कोई परेशानी नहीं थी और पुलिस वहां पर अपना काम कर रही थी और यहां पर भी यह किस तरीके से काम कर रही है, ये सब कुछ देखने की बात है। मैं आपको उन नेताओं की कुछ वीडियोस डालूंगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कल के जो कांड हुआ है लखीमपुर खीरी में, उसके ऊपर उन्होंने क्या व्यूज दिए हैं। प्रियंका गांधी को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है, अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है, वो अपने घर के आगे धरना प्रदर्शन पर बैठे। सतीश चंद गुप्ता मिश्रा जो उसके बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो बड़े बड़े नेता हैं उन सबको नजरबंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो इस वक्त माहौल है बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट अपने फुल अत्याचार कर रही है लोगों पे, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम आदमी हो। अभी कभी किसी को थाने में मारती है, कभी किसी को घर में घुस के मारती है, कोई लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। हमें ये सब कुछ देखना चाहिए, ये सब क्यों हो रहा है और किसकी शह पर हो रहा है। बहुत जल्दी से हमारे उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम जो है बदल रहे हैं, इसके ऊपर पूरी नजर हमारी रहेगी और हम आपको पल पल की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास वहां से हमारी खबर आती रहेगी, हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी हर खबर का अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये सारी वीडियोस जो लोगों को रोका है, जो लोग कह रहे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने और किस तरीके से जयंत चौधरी जी के जो काफले को पुलिस ने रोकने की कोशिश की है वो, और जो नेता लोग जा रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जा रहा है, मैं आपको उसकी सबकी वीडियो इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज औरों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। गांधी जी के देश में जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में किसान अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ गौडसे के मानने वाले लोगों ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और 3-4 किसानों को शहीद कर दिया, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है कि पिछले 10 साल से कैसे किसानों के अनदेखी की जा रही है सरकार के अंदर, कैसे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये घटना किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूँ कि तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें और जो भी इन किसानों की हत्या में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। रात हमारे जो नेता सांसद संजय सिंह जी लखीमपुर जा रहे थे उनको रात से गिरफ्तार किया हुआ है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर सभी आम आदमियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है सरकार के अंदर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही भरपूर है, गुंडागर्दी चरम पर है। मेरी मांग है कि ये सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए और किसानों के हत्यारों को फांसी इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो।
अरेस्ट करो, अरेस्ट हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे। हमने अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला को कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। लखीमपुर में जो आज हुआ, आखिर किसकी साजिश है? ये साजिश कौन रच रहा है कि पिछले एक वर्ष से शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं ये तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ? सरकार को सत्ता के नशे में इस तरीके की गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए जिससे किसानों की हत्या की। आज की जो घटना है वो देश के इतिहास में, किसानों के अहिंसात्मक आंदोलन के इतिहास में काले अक्षर में लिखा जाएगा कि सत्ता के नशे में चूर लोगों ने आज किसानों की को रौंद दिया। मैं मांग करता हूं सरकार से कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने कॉरपोरेट मित्रों का प्यार आप छोड़िए, जो देश का अन्नदाता है उसकी तरफ हाथ बढ़ाइए, उससे प्यार कीजिए और तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लीजिए। और प्रदेश सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आज की घटना के जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।